हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल। चिल्ड्रन, आज मैं आपका जो चैप्टर 11 है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आपके पोस्ट मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में आएगा, उसकी रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। पहले भी मैंने आपको इसकी वीडियो भेजी थी, आई होप आपने इसे वॉच किया होगा और समझा भी होगा। अब हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कर्ता के साथ जो क्रिया है सहमत होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है चिल्ड्रन, तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होनी चाहिए। बट कुछ समय कोई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनके अंदर सिंगुलर वर्ब आनी है या प्लूरल वर्ब आनी है, वही हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके नेहा एंड मिनी दो वर्ड हैं मिलकर आए हैं तो आर का यूज़ किया, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन जो कि सेम पर्सन को ही रेफर हो रही है तो वहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। जैसे माई फ्रेंड और गाइड दोनों क्या हैं, यहाँ पर हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया, ठीक है। देयर से जो हमारे टेंस शुरू होते हैं उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगती है। जैसे कि देयर आर 40 मेंबर्स, 40 मेंबर्स के जरिए यहाँ पर आर लगा। इसी तरह अगर दो एक सब्जेक्ट हमारे साथ साथ आ जाते हैं और एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तब भी वहाँ पर हमारी सिंगुलर फॉर्म आती है। जैसे कि नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी कि ज़्यादा कठोर और तेज नियम जो है यहाँ पर लागू नहीं होगा। ईच और एवरी, बच्चों यहाँ पर हमेशा ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आती है, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। नैदर और नोर, नोर के साथ जो कोई वर्ब होगी सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि नियर जो नोर के नियर हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें वर्ब लगाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बोलने में प्लूरल होते हैं, जैसे कि न्यूज़, फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सारे सिंगुलर होते हैं। और जो हमारा कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है बच्चों, वो भी हमारा सिंगुलर होता है। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है, अगर वो कलेक्टिव नाउन आई है तो हमारा वो वर्ड सिंगुलर है। अगर कलेक्टिव नाउन जो है अलग अलग मेंबर के ऊपर क्या कर रही है, जो उसकी जो कलेक्शन से है वो सेपरेट इंडिविजुअल थॉट हो रही है, तो वो बच्चों हमारा प्लूरल बन जाता है। ए पेयर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ये पेयर ऑफ के बाद बिना कोई वर्ड आता है चिल्ड्रन, वो हमारा प्लूरल होता है। क्लासिफाइड कैटेगरीज होती है, यानी कि जैसे कि स्टेशनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये हमारी सिंगुलर है। नंबर ऑफ हमारा सिंगुलर है। हमारी बीमारियों के नाम सिंगुलर होते हैं। ए डोजन से ही पता चल रहा है बहुत सारे हैं, तो प्लूरल होता है। सम ऑफ, हाफ ऑफ, यानी कि कुछ कुछ, ये भी हमारा प्लूरल है। मैनी मच हमारा मैनी हमारा प्लूरल है और मच हमारा सिंगुलर है। डिस्टेंस, वेट, हाइट को हमेशा सिंगुलर में नापा जाता है चिल्ड्रन। होटल के नाम, टाइटल ऑफ बुक्स के नाम अगर प्लूरल में लिखे गए हैं लेकिन वो सिंगुलर माने जाते हैं। आइदर ऑफ, नाइदर और हमेशा सिंगुलर होता है। ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ भी हमेशा प्लूरल होता है। पीपल और कैटल भी चिल्ड्रन प्लूरल होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पर आपकी जो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वर्ब को सही करना है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी क्या है, विंस द रेस, एक ही उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सम, जहाँ पर सम है वहाँ पर मतलब कि प्लूरल है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, आर। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, द पेयर ऑफ ट्राउजर, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। शी एंड आई डैश लीविंग द जॉब, दोनों क्या कर रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आर लीविंग द जॉब। 5 मिलियन रुपीज़ हमारी हमेशा सिंगुलर में आती है। ईच हमेशा सिंगुलर में आता है। सम हमेशा प्लूरल। सम ऑफ द मिल्क, मिल्क जो है हमारा थोड़ा सा, ये हमेशा सिंगुलर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मैनी हमारा क्या है, प्लूरल है। मच हमारा क्या है बच्चों, सिंगुलर है। न्यूज़ बोलने में न्यूज़ है लेकिन वो हमारी सिंगुलर नाउन है। इसी तरह हमें वो सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करना है, हाईलाइट जो वर्ड्स हैं उस पे अंडरलाइन करना है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो एग्री है, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ है, वन ऑफ सिंगुलर के साथ आता है तो शोज हमारी एग्री है, ठीक है।
दैट द पीपल रेगुलरली एक्सपोज टू द सन, यहाँ पर पीपल के अकॉर्डिंग है भी एग्री है। माई सिस्टर अलोंग विद हर फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर अपने दोस्तों के साथ कहाँ गई है, मूवी देखने के लिए, ये भी ठीक है। एवरी वन क्या होता है हमारा बच्चों, एक है तो नीड हमारा नहीं है, गलत है। देयर ए पैक ऑफ वोल्फ्स, यहाँ पर ए पैक ऑफ आएगा वो सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ पर वास क्लियर है। जो प्रोजेक्ट है मिस्टर कुराना, मिस्टर कुमार और मिसेस मेहता, प्रोजेक्ट एक है, इसके अकॉर्डिंग इज जो है बिल्कुल ठीक है। ए वेल नोन आर्टिस्ट सिंगर एंड राइटर, ये बहुत सारे हैं, तो ये आर हमारा क्या है, गलत है। इस तरह ये द सेफ्टी हार्नेसेस एज ए सेफ्टी मेजर, यहाँ पर आर हमारा गलत है। द ओल्ड मिनिस्टर्स इन हैदराबाद आर लाइंड विद स्टेयर्स, ओल्ड माइन रेट्स, द ओल्ड माइन रेट्स हैं, तो यहाँ पर ये हमारा गलत है। मोस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल, ये ठीक है। ए क्लाइंबर यूजेस, तो यानी कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब एग्री है उस पर हमें अंडरलाइन करना है, दूसरों को हमें छोड़ देना है। जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, एक तो ये वाली एक्सरसाइज चिल्ड्रन और एक ए एक्सरसाइज, यानी कि ए और सी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको साइड में आपको वर्ब्स दी गई हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमें उसमें वर्ब को फिल करना है। ईच, जैसे कि ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स आएगा। एवरी के साथ कमांड्स आएगा। नैदर ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, नैदर का मतलब कोई भी लड़का हमारे स्कूल का, वाज, हर एक लड़के के बारे में बात की गई है ना, तो यहाँ पर वाज आएगा। फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट आ गए चिल्ड्रन, ये क्या है, मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। मीता एंड आई, मीता और मैं, टॉकिंग अबाउट द टीचर, टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं एम, ठीक है। 83 किलोमीटर्स, दूरी को हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, तो इज। मच ऑफ वाटर, जो अनकाउंटेबल है, तो हमने हैज का यूज़ किया। सम रोज स्पाइसिस, इसी से पता चल गया प्लूरल है, आर का यूज़ किया। द क्राउड, ठीक है, क्राउड क्या है हमारी, भीड़, वाज, कलेक्टिव नाउन है, तो वाज का यूज़ किया। डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारे प्लूरल है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया। इस तरह हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब को एग्री करना है, उसमें फिल करना है। तो आपने समझा और बड़े ध्यान से सुना, और इसकी रिविज़न करेंगे आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।